गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार फ्रॉम भाऊराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर द गोलू ग्रोज नोज. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि गोलू ने किस प्रकार से नोज को ग्रो किया. सो दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम द बुक सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हिंट. सो यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू पार्ट वन. सो दैट्स द टर्न ऑफ पार्ट टू. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पार्ट टू. हमने कल पढ़ा था स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से गोलू जो था उसकी जो क्वालिटी थी वो थी टू आस्क द मैनी क्वेश्चंस. ओके, अब यहाँ उसके मन में एक क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो डिनर में क्या लेता है. अब यहाँ पर जो पाइथन होता है वह उसके पास जाता है, लेकिन पाइथन जो होता है वो कोई आंसर नहीं देता. सो आफ्टर दैट इस चैप्टर में जो बताया गया है, इस पार्ट में जो बताया गया वो ये बताया गया है कि गोलू जो है वो क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है और किस प्रकार से जो पाइथन है वो उसकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है और गोलू के किस प्रकार से जो ग्रोज लॉन्ग नोज जो ग्रोज होती है तो वो किस प्रकार से उसके लिए यूज़फुल होती है. सो लेट्स स्टार्ट. सो गोलू मूव्ड ऑन. अब गोलू आगे बढ़ता है जब पाइथन कोई आंसर्स नहीं देता है. ईटिंग सुगर केन्स, अब वो रास्ते में सुगर केन्स खाता है. स्टूडेंट्स, यू नो वेल दैट एलिफेंट लाइक्स सुगर केन्स वेरी मच, बनानास वेरी मच, मेलन्स वेरी मच. सो आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. कुछ दिनों के बाद वो एक ग्रासी लिम्पोपो रिवर पहुँच जाता है. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. वो एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा दिखता है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. वो वास्तव में क्रोकोडाइल था जो विंग्ड एट हिम, उसे देखकर विंक कर रहा था. विंक का मीन्स क्या होता है? पलक झपकाना. टू मूव द आईलिड. सो एक्सक्यूज मी सैड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. और वो क्रोकोडाइल से ही पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है. द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल. अब क्रोकोडाइल मूव होता है, दोबारा से विंग करता है, इट मीन्स अपनी पलकों को झपकाता है. एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और वो अपनी आधी पूंछ को लिफ्ट करता है आउट ऑफ द मड. मड मीन्स क्या होता है? कीचड़. सो सम हेयर, कम हेयर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल. व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ. सो कम क्लोज, मेरे पास आओ लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. अब उसने अपने आंसू दिखाए यह शो करने के लिए कि वो वास्तव में सही है. सो गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. तुम ही वो पर्सन हो, तुम ही वो एनिमल हो जिसे मैं देखना चाहता था. प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर. कृपया मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या लेते हैं. कम हेयर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू. मैं धीरे से तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा. सो सेड द क्रोकोडाइल. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल. गोलू ने अपना सिर क्रोकोडाइल के स्नाउट, जो स्नाउट का मीन्स होता है जो थूतने होते हैं, आई मीन जो नोज होती है, नोज में जो सांस लेते हैं वो एक स्नाउट होती है, द होल ऑफ द नोज. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. अब क्रोकोडाइल ने उसकी नोज से ही उसे पकड़ लिया, नोज जो थी. आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. मैं ये सोचता हूँ कि एक बेबी एलिफेंट है वो मेरा डिनर बनेगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी. जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो. मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो शांति से बहुत ही चुपचाप जो गोलू का पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक एंड सैट. और उसने कहा इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन, कि यदि तुम अपने आप को नहीं पीछे खींचते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, कि तुम्हें जलधारा में वो खींच लेगा. ड्रैग मीन्स क्या होता है? पुल. नेक्स्ट, गोलू सैट बैक ऑन द लिटिल हॉन्चिस एंड पुल्ड एंड पुल्ड. गोलू ने बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चिस, उसने अपने जो आगे का जो उसका पार्ट था उसे खींचा और खींचा. द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इन टू द वाटर. अब क्रोकोडाइल
स्लिप्ड इनटू द वाटर, वो पानी में स्लिप हो रहा था, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक, उसने उसके स्टमक के चारों ओर कॉइल किया एंड सैड लेट्स पुल हार्डर, और तेजी से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड, डग मीन्स क्या होता है, पुश करना, उसने अपने उस मड में अपने चारों पैरों को गाड़ लिया और खींचा। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, यहाँ जो नाक थी वो स्ट्रेच हो रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और गोलू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब नोज जो थी वो 5 feet लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन वो लास्ट में फ्री हो गया था। गोलू सेट डाउन, गोलू नीचे बैठ गया विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ, उसने बिग बनाना जो लीफ था उसके चारों ओर से लपेट लिया। एंड हंग इट इन ए ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसे जो है रिवर में उसे डाला कूल करने के लिए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल, वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा ताकि उसकी नाक ठंडी हो जाए। एंड टू श्रिंक, और छोटी हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, वो ठंडी तो हो गई लेकिन वो श्रिंक छोटी नहीं हुई, सुकड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, उसने जो है कंधे पर उसके काटा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसने उसे उस शोल्डर पर अपनी जो है वो नोज को पटका और उससे फ्लाई जो है वो मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन, पाइथन ने हिस किया, इट मीन्स बोला कि सबसे पहला फ़ायदा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, यू कुड नॉट हैव डन, तुम छोटी नोज से कुछ नहीं कर सकते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब तुम इससे प्रयास कर सकते हो और खा सकते हो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, उसने उससे एक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास था वो उठाया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, उसने अपने मुंह को साफ किया, अपने आगे के पैरों को भी साफ किया। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम ये जो वर्क है तुम छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुम्हें पता है कि अब सूर्य बहुत गर्म हो गया है। नेक्स्ट पेज है, सो स्टूडेंट्स, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट इन ऑन हिज हेड, अब गोलू ने थोड़ी सी जो मड थी वो अपने उठाई और इसे अपने सिर पर उसे रगड़ा। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, जो तुम अब वर्क कर रहे हो वो तुम छोटी नोज से नहीं कर सकते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज। जो स्टूडेंट्स, यू आर टू फाइंड आउट द 10 questions फ्रॉम दिस पार्ट 2, सो इट्स वेरी इजी। So we can say that for example, ki, what did the Golu ask to the crocodile and what did crocodile do? Students, for this type you can easily find out the 10 questions and their answers. So, tomorrow we would discuss about the question answer of this chapter. Thank you.